नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल 11.2 है सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल का क्वेश्चन में गिवन है वर्क फंक्शन ऑफ सीजीएम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना अगर हम वर्क फंक्शन की बात करें तो वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होता है जो रिक्वायर्ड होता है किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल uh, सरफेस से बाहर निकालने के लिए ओके इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्केप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस ओके सो दिस वर्क फंक्शन इज गिवन एज टू पॉइंट वन फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट and इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the मिनिमम the स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी ओके यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें वैसे यहाँ कन्वर्ट करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी तो वर्क फंक्शन यहाँ पर गिवन uh, है फाइव इज इक्वल टू टू पॉइंट वन फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड द थ्रेशोल फ्रीकवेंसी फॉर द सीजी ओके अगर हम थ्रेशोल फ्रिक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर uh, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इन टू न्यू नॉट होगा और ये न्यू नॉट जो है ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहेंगे ये न्यू नॉट जो है इसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एंड दिस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू स्केप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मेटल सरफेस सो दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी फाइव डिवाइडेड बाई एच ओके फाई डिवाइडेड बाई एच तो फाई का वैल्यू यहाँ पर टू पॉइंट वन फोर है जिसे हम कन्वर्ट करेंगे जूल में तो हमको यहाँ पर वन पॉइंट सिक्स इंटू ट्स टू पावर माइनस नाइनटीन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टू पावर माइनस नाइनटीन इलेक्ट जूल के बराबर ओके okay? तो यहाँ पर हमने वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया है ना डिवाइडेड बाई एच का वैल्यू हम जूल सेकंड में रखेंगे जो कि है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेंडर माइनस थर्टी फोर है ना तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको फ्रिक्वेंसी मिलने वाला है यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी हमको मिलेगा पावर ओके फाइव पॉइंट वन सिक्स इंटू 14 हर्ट्स okay, ओके okay. तो ये कैलकुलेशन आप एक बार कीजिएगा और एक बार चेक करना है आपको कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं है ना आ यहाँ पर इसका बी वाला पार्ट हम देखते हैं हमने अभी ए वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व किया था यहाँ पर बी वाला पार्ट है कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉड टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स जीरो वोल्ट तो यहाँ पर हम बी में आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी फोटोन का है मतलब की एच सी बाई लेमडा लेमडा इज देंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सो एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाइव प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट होगा तो यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज जो रखना रहेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना पड़े रहेगा और वोल्ट को यहाँ पर वोल्ट में हम रख सकते हैं ओके okay, तो यहाँ पर एच सी बाई लेमडा एच सी बाय लेमडा में एच सी और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको ट्वेल्व फोर्टी टू हम लिख सकते हैं ओके okay, यहाँ से लेमडा हम फाइंड करेंगे ट्वेल्व फोर्टी टू आप इसको लिख सकते हैं ओके okay, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है हमेशा तो आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा है ना अगर हम फोटोन के एनर्जी की बात करें फोटोन का एनर्जी आ, इन जूल ध्यान से समझना है आपको फोटोन का एनर्जी इन जूल वो होगा एच इंटू न्यू ओके एच इंटू न्यू और न्यू का वैल्यू सी बाई लेमडा रख सकते हो आप तो एच सी लेमडा हो जाएगा ओके okay, यहाँ पर एच का और सी का वैल्यू एच का वैल्यू कितना है एच का वैल्यू है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टू पावर माइनस थर्टी फोर और सी का वैल्यू आपको पता है थ्री इंटू टेंडरस टू पावर एट होता है डिवाइडेड बाय लेमडा ओके तो यहाँ पर अगर हम सारी वैल्यू पुट करते हैं तो इन सब का कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास में आएगा इलेक्ट्रॉन <coughs> वोल्ट में हमारे पास में आएगा ट्वेल्व बाई लेमडा इन नैनोमीटर लेमडा को यहाँ पर नैनोमीटर में रखना पड़ेगा और ये एनर्जी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी ये एनर्जी किस में आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास में आ जाएगी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा ये एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वल्ट में आ जाएगी ये फार्मूला आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना इस चैप्टर के लिए है ना क्योंकि इस फार्मूले के बेसिस पे हम यहाँ पर बड़े बड़े कैलकुलेशन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं है ना अगर आपने एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा है तो 1242 डिवाइडेड बाय डिडेड इन नैनोमीटर ये रिलेशन आप निकाल सकते हैं तो हम यहाँ पर 1242 डिवाइडेड बाय डिडेड लेमडा और लेमडा यहाँ पर नैनोमीटर में आएगा वर्क फंक्शन यहाँ पर फाई का वैल्यू 2.14 दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और यहाँ पर ऑलरेडी इक्वेशन ई से डिवाइडेड है तो हम यहाँ पर वी नॉट का वैल्यू जीरो जीरो रख सकते हैं ओके okay. इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा ट्वेल्व बाई जाएगा हमारे पास ओके okay? तो यहाँ पर लेमडावल टू ट्वेल्व फोर्टी टू डिड बाई टू पॉइंट सेवन फोर है ना और ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास नैनोमीटर में आने वाली किस में आने वाली है नैनोमीटर में आने वाली है ना एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये वैल्यू कितना होगा इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पर लेमडा का वैल्यू आ रहा है अप्रोक्सीमेट 453 453, 453 okay? इसको फोर फिफ्टी फोर भी आप लिख सकते हैं है ना तो यहाँ पर अगर आपने ये जो कैलकुलेशन है ये याद रखे तो आप बहुत इजीली ये जो कॉन्सेप्ट आपने याद रखे फार्मूला याद रखे तो कैलकुलेशन बहुत ईजिली आप कर सकते हैं